पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे प्रचार रुक गया है। दरअसल 26 अप्रैल को तीसरे चरण के 20 जिलों में वोटिंग होगी और अब इन 20 जिलों में प्रचार का शोर थम चुका है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इन 20 जिलों में वोटिंग को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कहां कहां तीसरे चरण में वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग 20 जिलों में होगी, जिसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, इसके साथ ही साथ बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया जिले में चुनाव होगा। इसमें 20 जिला पंचायतों के 786 वार्ड, 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड, 14,379 ग्राम प्रधान और आपको बता दें 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पदों के लिए चुनाव होंगे। और समय से उनकी रवानगी हो गई तो आपने आधा काम कर दिया। कौन कौन सी पोलिंग पार्टियां हैं और इसके और हमीरपुर से मेरे सहयोगी विकास पुरवार जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, देखिए आज चुनाव प्रचार तो थम गया है तीसरे चरण की वोटिंग के लिए, बात हमीरपुर की करूं तो क्या कुछ तैयारी है इस चुनाव के मद्देनजर, इस मतदान के मद्देनजर? देखिए बिल्कुल, अगर चुनौती की बात की है तो सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की रहेगी, कि जहां पर एक तरफ चुनाव के लिए बहुत बड़े प्रयास किए जा रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था से इस चुनाव को संपन्न कराया जाए जी। वहीं कोरोना काल को लेकर के लोगों कैसे समझाया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग से आपको मतदान करना है, आपको मास्क लगा करके आना है, आपको सैनिटाइजर साथ लेकर के आना है कि मतदान करने के बाद में आपको ये सब चीज़ें यूज करना है। साथ ही अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन ने फुल तैयारी कर ली है। अगर उसकी बात की जाए तो 3 ASP रैंक के अधिकारी, साथ में अगर 194 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और 9 CO रैंक के अधिकारी जो जिले में है मतदान शांतिपूर्ण कराने में सहयोग करेंगे। साथ ही अगर सेक्टरों की बात की जाए तो 13 सुपर विजन सेक्टर जो बनाए गए हैं, जिसमें करीब CDO, ADM और ADM जैसे अधिकारी शामिल रहेंगे। साथ ही 76 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें जो मजिस्ट्रेट लेवल के हैं अधिकारी उनको शामिल किया गया है। साथ ही 10 सेक्टर और अन्य बनाए गए हैं जो कि पूरे जिले में निगरानी रखेंगे मतदान कर्मियों पर। बिल्कुल विकास, देखिए ये तो तैयारी है, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले और दूसरे चरण में देखा कि कई जगह हिंसा हुई, मतदान कर्मियों के साथ लोग भिड़े, कई जगह जो बैलेट बॉक्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं छिड़खानी हुई, उनकी भी छीना झपटी हुई, तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए क्या विशेष तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है हमीरपुर में? देखिए बिल्कुल, अगर हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में 36 मोबाइल टीम भी बनाई गई है जो कि पल पल की अपडेट लेती रहेंगी और कोई भी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचेंगी। साथ ही अगर और भी बात की जाए तो जितने भी मेरी अभी अपर SP यहाँ की जो हैं उनसे बात हुई थी इस बारे में, तो उनका कहना है कि करीब 52 जो बनाए गए हैं अति संवेदनशील मतदान मतदूत बनाए गए हैं, जहाँ पर पुलिस की जो है खासी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और साथ ही अगर और अन्य अपराधियों की बात की जाए तो अपराधी अभी भी जेल में हैं जो हिंसात्मक यहाँ पर ज्यादा उपद्रव करते थे, वो अब ज्यादातर लोग जेल में हैं। फिर भी अगर कहीं भी व्यवस्था बिगड़े नहीं, उसके लिए पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं पूरी फोर्स मतदान को सफल बनाने में सहयोग करेगी। यानी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही साथ देखिए, एक तरफ हिंसा को रोकना है, एक तरफ ये जो मतदान है इसे शांतिपूर्ण तरीके से कराना है विकास, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कोरोना, क्योंकि हमने पहले और दूसरे चरण में भी देखा है कि कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। हमीरपुर में ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, सारे सेक्टर मजिस्ट्रेटों को और साथ ही मतदान कर्मी जो हैं और पीठासीन अधिकारियों को बताया गया है कि बिना मास्क के कोई भी अगर आएगा तो उसको वोट नहीं देना है, वोट देने से मना करना है। पहले उनको बोलना है कि आप मास्क लगा के आइए, उसके बाद में ही आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा।
और दूसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से सजग कर दिया गया है। किसी भी तरीके से हिंसा को रोकने के साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल अनुपालन कराना है, कोविड नियमों का पूरी तरह पालन कराना है। साथ ही वहां पर कुछ जो प्रत्याशी हैं उनको भी सुझाव दिया गया है कि आप सैनिटाइजर वगैरह का यूज करिए, अगर कोई भी ग्रामीण अगर आते हैं वहां पर तो आप जो है उनके जो मतदान के साथ जो प्रत्याशियों के जो वो रहते हैं कार्मिक रहते हैं उनके द्वारा सैनिटाइज कराया जाए परमानेंट, और कुछ सरकारी विभाग के कर्मियों को भी लगाया गया है कि वो सैनिटाइज पल पल कराते रहें जिससे कि अधिकारी भी सुरक्षित रहे, ग्रामीण भी सुरक्षित रहें और साथ ही मतदान कर्मी वो भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल, और ये जरूरी है ऐसे वक्त में विकास, जब कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और कोरोना का जो संक्रमण है वो लोगों को डरा रहा है। विकास आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। देखिए हमीरपुर में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, ऐसे में हमीरपुर में भी प्रचार थम चुका है और पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। इस वक्त हमीरपुर में 572 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुल मिलाकर 1215 बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही वोटिंग के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है जिससे निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। काम कर दिया इलेक्शन, कौन कौन सी पोलिंग पार्टियां हैं और इसके अलावा कौन कौन से वाहन जा रहे हैं, वाहन नंबर नोट कर लेंगे। यानी हमीरपुर में जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं क्योंकि 26 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब रवाना हो चुकी हैं। विकास मेरे सहयोगी लगातार हमीरपुर से बने हुए हैं जो तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। विकास देखिए 572 पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने ऐसे बूथ हैं जिन्हें संवेदनशील बूथों में गिना जा रहा है, जिन्हें संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है जहाँ पर कोई हिंसक झड़प हो सकती है और उन पर विशेष फोकस रहेगा प्रशासन का। बिल्कुल, अगर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की बात की जाए तो 52 बूथों को चिन्हित किया गया है जहां पर भारी पुलिस को साथ में मोबाइल टीम की खासी नज़र रहेगी, साथ ही अधिकारियों की भी खासी नज़र रहेगी कि इन बूथों पर कहीं ना कहीं कोई भी हिंसात्मक चीज़ नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी व्यवस्था है, प्रशासन की पूरी व्यवस्था है कि इन बूथों पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना है। बिल्कुल विकास, देखिए एक तरफ शांतिपूर्ण मतदान कराना है जैसा आपने जानकारी दी और आपने ये भी बताया कि कोविड नियमों का भी पालन करवाया जाएगा जिसके लिए विशेष तैयारी की गई है, तो क्या कोविड को ध्यान में रखते हुए भी जो पोलिंग बूथ है उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि लोगों की भीड़ एक साथ जमा ना हो और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए जो चुनाव है उन्हें संपन्न करवाया जाए। देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पिछली बार 18 जिला पंचायत सदस्य थे जिसमें से एक सीट घटाई गई थी और 17 रखे गए हैं जी। लेकिन जो अगर बूथों की बात की जाए तो बूथ क्रमशः कुछ बूथ बढ़ाए गए हैं जिससे कि गैदरिंग ना हो, लोग भड़बड़ाहट में वोट ना करें आकर के शांति व्यवस्था बनाए रखें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समय से मतदान हो जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। साथ में अगर प्रधानों की बात की जाए तो 330 यहाँ पर जो है प्रधान पद के लिए चुनाव होने हैं, साथ ही जिसमें 112 जो महिलाओं के लिए सीटें हैं वो आरक्षित की गई थी और 17 सीटों पर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं जिसमें करीब 6 लाख से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए, हमें बताने के लिए कि हमीरपुर में कितनी तैयारी की गई है। बहरहाल पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तीसरे चरण की वोटिंग पर जहां पुलिस और प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये कि शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए क्योंकि पिछले 2 चरण में खुलकर बवाल और हंगामा हुआ था, तो वहीं कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए वोटिंग कराना भी बड़ी चुनौती होगी। तीसरे चरण का रण तैयार, गांव गांव गली गली चल रहा प्रचार, वोटर्स को 26 अप्रैल का इंतजार। पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तक कुल मिलाकर 38 जिलों में वोटिंग हो चुकी है जिसके बाद अब तीसरे चरण का रण सजकर तैयार हो चुका है। पंचायत चुनाव के 4 पदों के लिए 26 अप्रैल को 20 जिलों में वोटिंग होगी जिसमें 20 जिलों के वोटर्स गांव की सरकार चुनेंगे। तीसरे चरण को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है
सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस तीसरे चरण में किस रण में सियासत की बिसात बिच रही है। 26 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए होगी वोटिंग। 20 जिलों के वोटर चुनेंगे गांव की सरकार। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत में होगी वोटिंग। कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया में होगी वोटिंग। कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर में होगी वोटिंग। फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी और बाराबंकी में होगी वोटिंग। इसके साथ ही बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया में भी वोटिंग होगी। चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी तीसरे चरण में ही वोटिंग होगी। ये वो 20 जिले हैं जहां तीसरे चरण में वोटिंग होगी और इस दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि अब तक दो चरण के जो चुनाव हुए हैं वहां जमकर हंगामा और बवाल हो चुका है। पोलिंग बूथ पर जमकर मारपीट और साथ ही बैलेट बॉक्स की लूट से लेकर बैलेट पेपर फाड़ने की घटना भी सामने आ चुकी है। इन सब के बीच तीसरे चरण की वोटिंग कराना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। तीसरे चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उसमें 4 पदों के लिए वोटिंग होगी। जिला पंचायत के 746 वार्ड के लिए होगी वोटिंग। क्षेत्र पंचायत के 16,801 वार्ड के लिए होगी वोटिंग। 14,379 ग्राम प्रधान पद के लिए वोटिंग होगी। इसके साथ ही 1,80,473 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए भी वोटिंग होगी। फिलहाल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाएं। तो वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में अमेठी के एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल बहादुरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत के प्रत्याशी सुमन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है और ये फैसला करीबियों की मौत और गांव में हो रही कोरोना मौतों से होकर किया है। पंचायत चुनाव में लगातार बवाल और हंगामे की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बलिया के नरही थाना इलाके के कुल्हड़िया गांव में एक वारदात हो गई जहां प्रधान पद के प्रत्याशी लालजी चौधरी के बेटे आशीष चौधरी की तरफ से शराब पीकर अवैध असलहे से छेड़छाड़ करने के दौरान गोली चल गई जिसमें वो खुद घायल हो गया, जिसके बाद आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जिस हथियार से गोली चली वो अवैध तमंचा है जिसे पुलिस अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच में जुट गई। आशीष चौधरी। पिताजी का नाम? लाल चौधरी। घर कहाँ है? कुल्हड़िया। क्या बात हो गई आपके साथ? हम लोग गए थे लाइटिंग करने। हाँ। यहीं पर एक दो साथी थे। हाँ। एक डाल का बोतल खुला था। हाँ। हम लोग पिए थे। हाँ। लाइटिंग वाइटिंग करके वहीं बैठे थे। हाँ। उसके बाद हम लोग काटा लिए थे। अपने से चेक करने में हमसे ही छूट गए। अपने आप ही लग गए। रात की ये घटना है, सूचना मिली थी तो उसमें जब थाना पुलिस गई तो वहाँ पे ये 4 लड़के थे, उनको वहाँ से लाया गया। लाने के बाद एक लड़के के गोली लगी हुई थी, आशीष चौधरी नाम है उसका, पिताजी का नाम लालजी चौधरी, वहीं कुल्हड़िया के रहने वाले हैं ये लोग। तो वहाँ जब पूछा गया उससे आशीष से तो उसने बताया कि इस तरह से 4 दोस्त से शाम को गए थे खेतों की तरफ फ्रेश होने, वहीं इन लोगों ने दारू पिए 4ों ने, और दारू पीने के बाद इसके आशीष के पास एक अवैध असला था कट्टा, जिसको कि ये वहीं छेड़छाड़ ये कर रहा था बैठा। 4 लोग बैठे हुए थे तो ये आशीष के हाथ में था, ये छेड़छाड़ कर रहा था, उसी छेड़छाड़ के दौरान ये ट्रैगर दब गया इसका और इसकी गोली चल गई जो कि इसके आशीष के हाथ में लगती हुई जान में लग गई। और गाजीपुर में 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव की वोटिंग होनी है जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गांव की सरकार बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभाओं में दर्जनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आज एबीपी गंगा टीम गाजीपुर के बाराचावर ब्लॉक के करकटपुर गांव पहुंची और वहां के लोगों के मुद्दे एबीपी गंगा ने जाने। हम इस वक्त उतराव गांव में है। उतराव गांव बाराचावर ब्लॉक का एक ग्राम सभा है जहां पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। यहां पर भी 5 साल पहले भी एक गांव की सरकार बनी थी। उस गांव की सरकार में यहां के लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना था। उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि हम आपको आवाज देंगे, सड़क देंगे, नाली देंगे, खड़ंजा देंगे, यानी कि विकास की कीड़ों से लबालब कर देंगे।
लेकिन उन विकास के कीड़ों से यहाँ के ग्रामीण कितने लबालब हुए हैं, हम यहाँ के ग्रामीणों के जुबानी ही जानना चाहेंगे। जी अपना नाम बता दें। रामाशंकर जी, आपका ये जो ग्राम सभा उतराव है, 5 साल पहले जो सरकार बनी, सरकार के जो मुखिया बने, क्या वादा किए थे आप? कुछ ना, सब निकालेंगे, क्योंकि नाली बनाते, घर बनाते, खरंजा बनाते, रास्ता घर सब गिनते हम, सब गिरते हम, कुछ हमने कुछ सुविधा नहीं के, कुछ नहीं के सुविधा, कुछ ठेला नहीं आई हमारा गाँव। ऐसे में जो आपके गांव है या अधिकतर गांव पर एक इल्जाम लगता रहता है कि जब चुनाव आता है तो लोग जो अपने प्रत्याशियों से बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं और प्रत्याशी भी चोरी छुपे तो कहीं ओपनली जो है दारू और सारा दारू और मुर्गे का भी वितरण करते हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए? पंचायत में दारू अगर बढ़िया प्रत्याशी चुन के हमने बनावल जाए कि हमने कुछ विकास हो, कुछ हमने को रास्ता घाट मिलो, नारी मिलो, पानी मिलो, बढ़िया ये ना चाह जा आवास हमने के मिले, हमने गरीब आदमी बने जा, कमाई खाए वाला आदमी बने जा। ऐसे में अब यहाँ के गांव वाले भी इसका कहना है कि अब इन्हें विकास चाहिए, ना इन्हें दारू चाहिए और ना ही मुर्गा चाहिए, तो ऐसे में विकास की किरण के लिए इस बार जो गांव में विकास करना चाहते हैं, इस विकास के लिए वो किस तरह के प्रत्याशी का चयन करेंगे, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। ये अपना नाम बता दें। गोपाल जी। गोपाल जी, जो आपका ये ग्राम सभा उतराव है, अगर यहाँ के ग्राम सभा की बात करें तो लगभग यहाँ पर मतदाताओं के बारे में क्या बताएं, किस तरह के मतदाता यहाँ पर हैं? मतदाता तो यहाँ पे समझ लीजिए एकदम मजबूर हैं, हर तरफ से मजबूर हैं, पैसा में मजबूर हैं, घर में मजबूर हैं, रास्ते में मजबूर हैं, सब चीज़ में मजबूर हैं। हम लोग किसी को चुनते हैं कि हमारा भला करे, पर वो भला नहीं करता है, फिर भी हम 5 साल के बाद फिर कोई आता है उसको भी हम चुनते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार विकास की योजनाएं जो है जिला प्रशासन तक, जिला प्रशासन से ब्लॉक और ब्लॉक से आपके गांव तक आने की बात कही जाती है, लेकिन तो हमारे यहां नहीं पहुंचता। तो क्या इस तरह की कोई योजना आपके गांव पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं पहुंची है। तो आखिर फिर तो इस बार जो आपका चुनाव करना है, मौका आ गया है, अब गेंद जो है आपके पाले में है, तो अब इस गेंद को जब आपके पाले में, तो आप क्या करेंगे? हम तो जिसको चुनेंगे पसंद उसी को वोट करेंगे, जो हमारे लायक दिखेगा उसी को, भले वो हमारे साथ गद्दारी करे, हम तो जान नहीं रहे कि उसको वोट करने के बाद वो हमारे साथ गद्दारी करेगा या हमारे गांव में विकास करेगा या नहीं करेगा, उसके मन के अंदर हम बैठे नहीं हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और खासकर बुजुर्ग महिलाएं हैं, और महिलाओं के लिए पिछले दिनों मोदी सरकार ने एक योजना चलाई थी, स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि सभी को जो है शौचालय की व्यवस्था दी गई थी ताकि वो अपने घर के अंदर ही शौच करे। और माता जी, क्या नाम है आपका? ये बताए कि जो पिछले बार जो शौचालय की योजना चला रहे, आप लोग के गांव में मिला रहे कोई के? का कुछ नहीं हो बाबू, का मिला था के कुछ ना के कुछ जानते नहीं के हो बाबू, बताइएगा। तो इस ग्राम सभा की बात करें, इस ग्राम सभा में जो है प्रत्याशियों को लेकर वोटरों में काफी नाराजगी है, और कोई भी अभी वोटर ये खुल कर नहीं कहना चाहता है कि वो जो है किस पर वोट करेंगे, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि जो विकास करेगा हम उसकी बात करेंगे। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर।